जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में एक विशेष जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसा कि आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा कि अगर मंत्र का उच्चारण सही न हो या फिर साधना अधूरी रह जाए तो क्या उसका विपरीत फल मिलता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। और इसी लिए मैं ये वीडियो बनाने पर विवश भी हुआ हूँ कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और पूछा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो इस पर भी मैं बना देता हूँ कि वास्तव में जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं, कुछ लोग सही से हिंदी या संस्कृत का उच्चारण करना नहीं हो पाता उनसे, तो उच्चारण में गलती हो जाती है। साधना तो हम बराबर कर रहे हैं लेकिन उच्चारण में गलती है, सही प्रकार से उच्चारण उसका नहीं हो पा रहा है, वो गलत उच्चारण हो रहा है। या फिर साधना बीच में छूट जाती है। कई बार क्या होता है कि किसी के घर में पर प्रॉब्लम हो जाती है, या तो कोई मृत्यु हो गई, या कोई बच्चा पैदा हो गया, या कोई बीमार हो गया, या फिर कुछ कैसा ऐसा काम आ गया कि जिसकी वजह से साधना बीच में अधूरी रह जाती है। अब अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या हमारी साधना का विपरीत परिणाम हमें भुगतना पड़ता है? ऐसा नहीं है। देखिए, जब एक कुम्हार होता है ना, वो कुम्हार घड़ा बनाता है एक, और जब वो कच्चा होता है गढ़ा, तो फिर उसको वो पकाता है, और पकाने के लिए उसकी चारों तरफ अग्नि जलाता है, उसके अंदर भी, घड़े के अंदर भी वो घास फूस भर करके उसको भी अंदर भी वो अग्नि जलाता है, जिससे कि वो पूरी तरीके से पक जाए, अंदर से भी और बाहर से भी। और पकने के बाद जब हम उसको प्रयोग में लेकर के आते हैं कि भाई उसमें पानी डालते हैं, तो उसमें पकाने का मतलब क्या है उसका, कि पानी को भी वो पीता है, लेकिन अब जब अंदर से भी पकाया बाहर से भी पकाया, तो जो कच्चापन है उसका, भाई मिट्टी कच्ची होती है ना, जो उसका कच्चापन है वो खत्म होता है धीरे धीरे, मतलब कि जो उसके अंदर अशुद्धि है वो अशुद्धि समाप्त हो जाती है और वो पक जाता है फिर। तो ऐसा ही विषय इसका है कि देखिए, जब तक हम कोई मंत्र साधना नहीं करते हैं या कोई भी पूजा जब तक नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर जो कुविचार, जो हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, वो विचार जब बाहर निकलते हैं, क्योंकि कोई चीज कहते ना कि जब अच्छाई अंदर जाने लगती है तो जो बुराइयां हैं वो बुराइयां बाहर आने लगती हैं, क्योंकि अब वहां पर एक अच्छे आदमी ने आकर के डेरा डाल लिया है, तो या तो अच्छा रहेगा या फिर बुरा व्यक्ति रहेगा वहां पर, दोनों में से एक ही रह सकता है, बुरे और अच्छे दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे अंदर से जो कुविचार हैं वो निकलते हैं बाहर, जो गंदगी भरी हुई है वो बाहर निकलती है। तो पहली बात तो ये कि मंत्र उच्चारण अगर गलत है तो कोई भी विपरीत परिणाम आपको नहीं मिलेगा, भले ही आपको वो अनुकूलता ना मिले कि जो आपको मिलनी चाहिए, मतलब कि जो प्रभाव आपको, आपने जिसके लिए साधना की है उस कार्य के लिए, वो कार्य ना हो, ऐसा तो हो सकता है कि भाई अगर आपने मंत्र उच्चारण गलत किया है तो वो कार्य आपका नहीं होगा, क्योंकि साधना पूर्ण तरीके से नहीं हो पाई, लेकिन विपरीत परिणाम मिल जाए ऐसा नहीं होता है, विपरीत परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर साधना आपने बीच में अधूरी छोड़ दी, किसी भी कारणवश अधूरी रह गई है, तो उसका भी कोई विपरीत परिणाम आपको नहीं भुगतना पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं ना कि अरे साधना बीच में छूट गई तो विपरीत परिणाम आएगा उसका, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। हाँ, ये जरूर है
कि जिस कार्य के लिए तुम साधना कर रहे हो वो कार्य ना हो आपका, बस इतना असर पड़ सकता है, बाकी उसका विपरीत परिणाम कुछ भी नहीं मिलता है। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई साधना करते हैं तो साधना करते टाइम हमारे मन में गुरु के प्रति या फिर देवी देवता के प्रति जिसकी हम साधना कर रहे हैं उन सभी के प्रति गलत विचार आने लगते हैं, गलत विचार आते हैं, गंदे विचार भी आने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी इसी कारण से होता है कि जो आपके अंदर जो गंदगी भरी हुई है वो गंदगी जब बाहर आती है तो वो उसके कारण वो विचार आपके पनपते हैं। जैसे कि कभी कभी तो देवताओं के प्रति भी गलत विचार आने लगते हैं, किसी देवी के प्रति भी गलत विचार आ जाता है, या गुरु के प्रति, अरे पता नहीं कहाँ फंसा दिया गुरुजी ने, अरे बेकार है, कुछ नहीं है यार, ना गुरुजी के पास कुछ है और ना ही कुछ साधना में हुआ, कहाँ बेमतलब का ये ड्रामा करने लगे हम लोग भी, मतलब कि ऐसे विचार भी आ जाते हैं। देवियों के प्रति गलत विचार आ जाते हैं, उनके प्रति संभोग की भावना पैदा हो जाती है। तो अब ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्योंकि आपके शरीर के अंदर, देखिए जब कोई किसी भी शरीर को आप ले लीजिए, उसके अंदर गंदगियां भरी होती हैं, और जब उसके अंदर मंत्र जप करने से ऊर्जा बढ़ने लगती है, उसके अंदर अच्छाइयां जगने लगती हैं, तो फिर बुराइयां निकल करके बाहर आने लगती हैं। और उन्हीं बुराइयों के कारण आदमी ऐसा सोचने पर या ऐसा उसके अंदर विचार आते हैं, विवश होता है। तो उससे घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमने देवी देवता के प्रति या गुरु के प्रति हमारा कुछ गलत विचार आ गया तो अब हमारे ऊपर हमें उसका कोप का भाजन भरना पड़ेगा कि भाई हमें कोई परेशानी हो जाएगी, देवी देवता के प्रति हमने गलत विचार पैदा कर लिया। तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, उस विचार को आने दो। अगर वो विचार आ रहा है ना तो आने दो उसको, उसको रोको मत, क्योंकि उसको निकलने दो बाहर। उस गंदगी को, जब वो गंदगी बाहर निकल जाएगी तो फिर आपके अंदर जो सुविचार हैं, जो अच्छे विचार हैं, फिर वो आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। और वो विचार जब आपके अंदर आ जाएंगे ना तो फिर आपके अंदर से ऐसे कुविचार आएंगे ही नहीं। कहते ना कि भाई जगह तो एक ही है, मान लिया एक घर है, वहां पर कोई बदमाश व्यक्ति रहता है और वहां पर पुलिस वाले आकर के और उसको जो है वहां से भगा दें, और फिर किसी अच्छे व्यक्ति, किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को जो कि कर्मकांडी हो, अच्छे विचार वाला हो, उसको वो जगह दे दिया जाए। तो जब वो निकलेगा बाहर तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके निकलेगा ना, जो बदमाश व्यक्ति है कुछ ना कुछ तो तैड़फेड़ करेगा ही करेगा, तोड़फोड़ वहां पर। तो वही चीज है कि भाई आप के घर में जो एक शरीर, एक घर है, उसमें एक जो विचार हैं, बुरे विचार हैं, वो जब वो बाहर निकल जाएंगे, अच्छे विचार आ जाएंगे, तो फिर घर तो एक ही है। अब वही घर वो है जिसमें एक बदमाश व्यक्ति रहता है, और वही घर वो है जिसमें आज एक शरीफ व्यक्ति रहता है, घर का तो कोई दोष नहीं है इसमें। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि विचार जो आते हैं उनको आने दो, वो बाहर निकल जाएंगे तो सही रहेगा, फिर आपके सुविचार आपके मन में शुरू हो जाएंगे। तो इससे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो किसी प्रकार का आपको विपरीत असर पड़ता है इसका। उच्चारण गलत हो जाए तो कोई विपरीत असर नहीं, कुछ नहीं होता है उससे। अगर साधना बीच में टूट जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई विपरीत असर नहीं होता। अगर आपके मन में कुछ गंदे विचार आए देवी देवताओं के प्रति, गुरु के प्रति, तो फिर उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इतना आप कर सकते हो कि जो आपका गुरु मंत्र है, जब आपकी साधना मान लिया अधूरी रह जाए तो संकल्प लेकर के कि मेरे मुझसे जो गलतियां हुई हैं उसको क्षमा करें, और जो गुरु मंत्र है या भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का मंत्र है उसकी आप कुछ मालाओं का जाप कर लें, भाई 11 माला 21 माला संकल्प लेकर के, बस हो गया इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और साधना फिर दोबारा से करो,
नियम से, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ठीक है, मुझे यही बताना था क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, और पूछा है तो फिर मैंने एक वीडियो बनाने की ठान ली इस पर, और वो वीडियो मैंने 100% सही बनाया है, बिल्कुल एकदम 100% यही बात होती है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।